पूछे तो आपको क्या बोलना है? झकास, बिंदास, मजा आ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि कोठारी है। आप में से बहुत सारे लोग मेरा परिचय पूछेंगे, पर मैं कुछ भी बोलती हूँ उससे पहले हमेशा मेरे परिचय में ये बोलती हूँ कि नमस्कार, मेरा नाम अंजलि कोठारी है और मैं आरसीएम की बच्ची हूँ। शुरुआत से जब भी मैंने मेरे पापा को काम करते हुए देखा, सिर्फ और सिर्फ आरसीएम करते हुए देखा, मैंने आरसीएम को बढ़ते हुए देखा और मैं आरसीएम के साथ बढ़ी। लोगों को अक्सर लगता है कि अगर इसके पापा ने शुरुआत से आरसीएम किया, अगर अंजलि कोठारी के पापा जो कि मिस्टर मुकेश कोठारी आप सब लोग उन्हें जानते हैं, समझी कि अगर जिंदगी में कुछ करना है तो आरसीएम ही करना है। आज उस मेरी स्टोरी के थ्रू आप लोगों को लेके जाना चाहती हूँ। जाएंगे मेरे साथ? ये पीपीटी की भी चालू की हुई है जिससे ठीक। आज मैं बात करने वाली हूँ किसके बारे में? जी, अगर मैं आपको मेरे बारे में कुछ बताऊं तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है, मुकेश कोठारी की डॉटर हूं। शुरुआत से मैंने आरसीएम देखा है और इस आरसीएम ने मुझे क्या नहीं दिया। मैं जो भी एजुकेशन लेना चाहती थी, जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहती थी, वो सब कुछ मुझे आरसीएम ने दिया। मेरी एजुकेशन पिंस पिलानी से हुई और मेरी कॉलेज जो थी वो एसडी पार्सन से हुई। न्यूयॉर्क का कॉलेज है। आज हम लोगों को हमारी मदर का चेहरा ज्यादा दिखने को भी नहीं मिलता क्योंकि मम्मी ज्यादा आती नहीं है हमारे सारे इवेंट्स में। तो मैंने मेरी मम्मी के साथ एक फोटो लगा रखी है मेरे ग्रेजुएशन की और ये मेरी पढ़ाई लिखाई थी। आज मैं जो भी हूँ और स्टेज पे खड़े होकर अगर बोल रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम की वजह से हूँ और किसी की वजह से नहीं। और ये मेरी हमेशा से लाइफ स्टाइल रही है, बट फिर भी मैंने कभी सोचा आप लोग यहाँ देखिए हमारा चिल्ला रहे हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था। जो नहीं मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरे पापा जिस जॉब में अच्छे हैं उन्होंने वो चीज कर ली, मेरे पापा जिस चीज में अच्छे हैं उन्होंने वो चीज कर ली। मुझे पता है कि मैं फैशन में अच्छी हूँ, मैं फैशन करूंगी, इसलिए मैंने फैशन कम्युनिकेशन की डिग्री ली और